कुंडलिनी शक्ति साधक के शरीर में क्या क्या कर सकती है। जब साधक के शरीर में कुंडलिनी जागरण के लक्षण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं, आपने अभी तक यही देखा है, लेकिन स्वयं साधक जिसके शरीर में यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, वह क्या क्या कर सकता है, उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, ये आप अभी तक नहीं जानते। ये तो स्वयं वही साधक बता सकता है जिसे कुंडलिनी जागरण के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, जो लगातार कई वर्षों से ध्यान कर रहा है, जिसके ध्यान में प्रतिदिन कुंडलिनी शक्ति स्वयं प्रकट होती है। कुंडलिनी स्वयं एक शक्ति है और कुंडलिनी शक्ति जब जाग उठती है तो यह नीचे से ऊपर की ओर सभी चक्रों को बारी बारी से भेदते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। और कुंडलिनी का यह सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के लिए परमात्मा ने एक चक्र व्यूह रचना कर रखी है। प्रत्येक चक्र को भेदते हुए ऊपर की ओर बढ़ना है, और ऐसा कुंडलिनी स्वयं नहीं कर सकती। ये सातों चक्र, ये चक्र व्यूह रचना ऐसी होती है जैसे मानो सात दरवाजे हों, एक के अंदर एक सात दरवाजे लगे हैं और सभी सातों दरवाजे पर एक एक ताला लटका हुआ है, और ये ताले ऐसे नहीं टूटते। जब साधक की चेतना बढ़ती है तो उस चेतना के कारण कुंडलिनी शक्ति उस चक्र तक पहुंचती है। बिना साधक के चेतना के कुंडलिनी शक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ग्लूकोज आपके शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, लेकिन उस ऊर्जा को आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन प्राप्त न हो। चाहे आप जितना भोजन कर ले, आप उस ग्लूकोज की ऊर्जा को, उसकी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी स्वयं शक्ति का एक स्रोत है, लेकिन उस शक्ति को आप स्वयं तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर एक पर्याप्त चेतना विकसित न हो। प्रत्येक चक्र के साथ एक विशेष चेतना, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके साथ जुड़ी होती है। आप एक ही चेतना से अपने मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्रार्थ चक्र को जागृत नहीं कर सकते। प्रत्येक चक्र के लिए अलग अलग चेतना की जरूरत पड़ती है। साधक अपने ध्यान साधना में प्रत्येक चक्र के लिए ऊर्जा का एक स्तर, एक चेतना प्राप्त करता है, और उस चेतना के कारण कुंडलिनी शक्ति उस चक्र में ऊपर चढ़नी शुरू होती है। और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रत्येक चक्रों में चढ़ती है, उस चक्र से संबंधित शक्तियां साधक को प्राप्त होने लगती हैं। अब किस चक्र में साधक को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, यहां मैं आपको यह नहीं बताने वाला। मैं आपको यह बताऊंगा कि साधक में ऐसी कौन कौन सी शक्तियां विकसित होने लगती है जिसका उपयोग साधक अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकता है। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन।
सबसे पहली शक्ति जो दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। लोग बार बार ये कहते हुए सुने जाते हैं, मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, काम करने का मन नहीं है। लेकिन वह साधक जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, वह जब चाहे तब अपने मूड को बदल सकता है। उसे कुछ करना नहीं होता, बस वह अपनी आंखों को बंद रखता है और अपनी आंखों को बंद किए हुए थोड़ा सा शांत चित होकर अपनी चेतना को सहस्त्रार में पहुंचा देता है। और ऐसा करने में उसे कुछ सेकंड ही लगते हैं, कुछ ही सेकंड में वह अपनी चेतना को स्वयं बदल लेता है। यह काम वह कभी भी कर सकता है, इसके लिए उसे ध्यान में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब उसे लगे कि उसके अंदर एक उदासी छाई है, उसके अंदर एक सुनापन छाया है, तो वह इस शक्ति का प्रयोग कभी भी कर सकता है। इतना ही नहीं, वह अपने शरीर की बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर सकता है और वह इसकी अनुभूति करता है। जैसे किसी ध्यान के साधक को डायबिटीज की बीमारी हो तो उसे पता है कि डायबिटीज की बीमारी में शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, वह थका थका हुआ सा महसूस करता है। लेकिन ध्यान में बैठने के बाद वह अपने नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर ऐसा ध्यान लगाता है कि उसके डायबिटीज की बीमारी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। और केवल कंट्रोल ही नहीं होती, वह बिल्कुल ठीक होने लगती है। और ऐसा उसके शरीर में बढ़े हुए ऊर्जा स्तर के कारण उसे इसकी अनुभूति होती है। वो लोग जिन्होंने ध्यान साधना से पहले उसे सड़क पर टहलते हुए देखा है कि इसको तो शुगर की बीमारी है, ये प्रतिदिन सड़क पर टहलता था, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो अब प्रतिदिन केवल आंखें बंद करके घंटों ध्यान में बैठा रहता है, ये तो अब कभी टहलता भी नहीं और इसके चेहरे पर एक मुस्कान है। लोग देखकर आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि उसकी बीमारी वो बीमारी नहीं रह जाती, वह कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से उस बीमारी को ठीक कर लेता है। प्रतिदिन ध्यान करता है तो प्रतिदिन उसे कुंडलिनी शक्ति प्रदान करती है। ऐसे साधक जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, उनकी चेतना अपने आप सहस्त्रार चक्र में ध्यान में पहुंच जाती है, उन्हें इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वह साधक ध्यान में बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है, उसकी चेतना सहस्त्रार में पहुंच जाती है। मात्र थोड़े से प्रयास में यदि किसी दिन यह चेतना उसके सहस्त्रार में नहीं पहुंचती हो तो विशेष तरीके से श्वसन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपनी चेतना को सहस्त्रार में पहुंचा देता है। कुछ सेकेंडों में ही यहां पर उसे स्पंदन महसूस होने लगता है। आज्ञा चक्र की तो बात आप छोड़ दें, आज्ञा चक्र में उसे घूमते फिरते टहलते हुए या वह कहीं पर बैठा हो, अचानक एक गुदगुदी सी होने लगती है, उसका मूड पैटर्न अपने आप बदल जाता है और ये अपने आप होता है, इसमें उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। वह प्रत्येक मानसिक स्थिति में चेतन होता है, वह प्रत्येक मानसिक स्थिति को समझता है। जब उसे क्रोध आने लगता है तब भी वह चेतन होता है, उसे अंदर से हंसी आती है, अरे ये मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, उस क्रोध को भी वो समझता है। काम वासना जब उसके अंदर बढ़ती है उसे भी वह देखता है और सबको वह कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जब उसके अंदर
ये मानसिक विकार उठते हैं तो जहां उनका स्रोत होता है क्रोध का, आपके दिमाग में एक निश्चित पॉइंट है, काम का भी एक निश्चित पॉइंट है, इसी तरह जितने मानसिक विकार होते हैं सबका पॉइंट आपके दिमाग में ही है और उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल होता है, क्योंकि कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में जाकर जब रुकना शुरू करती है तो अपने आप ही ये सारे मानसिक विकार अपने आप ही इसकी क्लिनसिंग होने लगती है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है उसे भूत प्रेत नहीं पकड़ सकता, भूत प्रेत उसके आसपास भी नहीं फटक सकते, उसके ऊपर कोई जादू टोना सम्मोहन काला जादू भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए उस व्यक्ति को सम्मोहित करना होगा। बिना सम्मोहन मंत्र के किसी भी साधक पर भूत नहीं फेंका जा सकता, तो साधक को आप सम्मोहित नहीं कर सकते क्योंकि वह कुंडलिनी के नशे में होता है, फिर आप उसे कौन सा नशा देंगे कि वह सम्मोहित हो जाए। भूत प्रेत उनकी जो आत्माएं होती हैं वो संसारिक बंधनों में अभी भी फंसी होती हैं, इसलिए वे भूत प्रेत की श्रेणी में होते हैं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत किया हुआ साधक जिसके शरीर में कुंडलिनी जागृत हो रही है वह संसारिक मोह माया बंधनों से मुक्त होता है और भूत प्रेत की आत्मा वहीं पर आती है जहां एक संसारिक चेतना है, जहां काम वासना है, जहां भोग विलास है। संसारिक चेतना ही इनका भोजन होता है, क्योंकि जब वो इस संसार में थे तो उनके अंदर जो इच्छाएं थी, जो भोग विलास की एक लालसा थी वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो आत्माएं खोजती हैं। तो जो मनुष्य ऐसे भोग विलास ऐशो आराम की जिंदगी में काम वासना में डूबा हुआ है वैसे व्यक्तियों पर ये काला जादू सम्मोहन मंत्र फेंका जा सकता है। कुंडलिनी जागरण का साधक इससे मुक्त होता है। ध्यान साधना में ऐसे साधक को एक ऐसे पॉइंट पर स्पंदन होना शुरू होता है कि उसके अंदर से सभी उदासी अपने आप दूर हो जाती है और वह पॉइंट, मैं आज्ञा चक्र के बारे में बात नहीं कर रहा, सहस्त्रार चक्र के बारे में भी मैं बात नहीं कर रहा, वो पॉइंट है उसके नाक के नीचे और होठ से थोड़ा ऊपर, यहां पर उसे गुदगुदी होती है और यह गुदगुदी इतनी सुखद होती है कि वह आहें भरने लगता है, क्योंकि यह गुदगुदी उसके होठ पर होती है। होठ बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होते हैं किसी संवेदना की अनुभूति करने के लिए, ठीक उसी प्रकार उसके कान के नीचे उसके दाहिने गाल पर यहां गुदगुदी होती है और यह जब गुदगुदी होती है तो इसमें भी उसे बहुत ही सुखद अनुभूति, बहुत ही खुशी मिलती है, एक अलग तरह के डायमेंशन में वह पहुंच जाता है। तो जब चाहे तब आंखें बंद कर यहां भी फोकस करके अपनी खुशी को कई गुना वह बढ़ा सकता है। एक सबसे बड़ी शक्ति जो उसे प्राप्त होती है ये कुछ महीनों या कुछ वर्षों में नहीं, लेकिन कई वर्षों तक जब वह लगातार ध्यान साधना करता है तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा बढ़ती है कि उसके हाथों में ये ऊर्जा बाहर की तरफ बहने लगती है, उसके पूरे हाथ मैग्नेटाइज होने लगते हैं और उस स्थिति में जब उसके अंदर एक पूरा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए तो वह अपने हाथों से जिसको चाहे छू दे, उसके शरीर से बीमारी भी दूर हो जाए। ऐसे साधक जो कुंडलिनी जागरण की अनुभूति कर रहे हैं वे इसे आजमा सकते हैं। कोई भी काम आजमाने से ही होता है, आप एक ही दिन में ऐसा नहीं कर सकते कि मैं किसी को छू दूंगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं, ये आपके अंदर जब ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है
एक अनुभूति आपके अंदर मिलती है और अंदर से उत्प्रेरणा मिलती है कि मेरे अंदर ये शक्ति आ चुकी है कि अब मैं किसी को छूकर उसे टच करके उसकी बीमारी को ठीक कर सकता हूं। ऊर्जा आपके शरीर में लबालब भरपूरी के साथ भरती जा रही है। ऊर्जा आपके अंदर एक प्रचंड रूप में ऊपर की ओर उठती है। पूरा शरीर ऊर्जा से लबालब भरा होता है। जैसे जब एक लोहा गर्म होता है तो उसके अंदर से बाहर की ओर ऊष्मा पैदा होती है, आसपास का वातावरण गर्म होने लगता है। ठीक उसी प्रकार साधक को ऐसी अनुभूति होती है कि अब उसके शरीर से ये ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है और उस स्थिति में जब वह किसी को छू दे तो वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा।